दतिया जिले के थाना डी पार ग्राम पुराना कसेरुआ नट वाली घटिया के पास 19 मार्च को एक अज्ञात युवक की लाश छिन्न भिन्न अवस्था में मिली थी, जिसकी शिनाख्त टिंकू त्यागी के रूप में हुई थी। पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल में मामला प्रेम प्रसंग के रूप में नजर आ रहा था, लेकिन यह हत्या सवालों के घेरे में पुलिस को चुनौती दे रही थी। आखिरकार इतनी निर्मम हत्या प्रेम प्रसंग के चलते नहीं हो सकती। परिवार वालों के निष्पक्ष जांच के चलते पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य के द्वारा मामले की तह तक जाने के निर्देश दिए गए और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की मेहनत रंग लाई और इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश डी पर पुलिस ने कर दिया। परिवार में अवैध संबंध रोकने के चलते हुई थी टिंकू त्यागी की हत्या। गहराई से पड़ताल करने पर जो मामला सामने आया है वह ऐसा था कि आरोपी सुनील त्यागी मृतक के परिवार में किसी महिला से अवैध संबंध थे, जिसकी रोक टोक मृतक के द्वारा की गई तो अपने रास्ते से हटाने के लिए सुनील त्यागी द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर टिंकू त्यागी की हत्या कर दी गई। उपरोक्त घटना का खुलासा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य द्वारा प्रेस वार्ता कर किया गया। 18-19 की दरमियानी रात को ग्राम कचेरुआ थाना क्षेत्र गांव उसके रोड पर एक डेड बॉडी हमको 19 तारीख को मिली थी, ग्रामीणों ने देखी थी। उसमें जो है सीने पर चेहरे पर गोली के निशान थे और चेहरे को पत्थरों से भी कुचला गया था और उसके गुप्ता डॉक्टर भी प्राइवेट पार्टनर ने शोर किया। इस कारण से शुरू में वो अज्ञात था, चौकीदार की रिपोर्ट पर हमारा क्राइम किया गया। कल इसके पश्चात जब वो उसकी पहचान कराई गई, पहचान के बाद उसमें अपराध संबंधित किया गया, क्योंकि जैसी मृतक के परिवार जनों ने शुरू में लगातार जो है पुलिस पर कई लोगों के संदेह के रूपों में नाम बताए थे तो पुलिस थोड़ी सी परेशान भी रही और संदेह जो व्यक्ति इनको पूछताछ किया काफी लोगों से। इसके बाद पुलिस अधीक्षक माननीय पुलिस अधीक्षक दतिया के द्वारा हम लोगों की पूरी टीम लगाई गई, इसमें थाना प्रभारी दीपा रेस्क्यू टीम श्यामला लगातार इसमें काम किया और चूंकि इसमें जब भी काम किया तो ये लगातार प्रेम प्रसंग का मामला है। इसमें जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन को पाया कि एक सुनील त्यागी नाम का लड़का है जो ग्राम कचेरुआ का है, वो मृतक की फैमिली की एक महिला के साथ उसके अवैध संबंध थे, जिसमें मृतक उसको रोकता था और इसी बात को लेकर के इसने सुनील त्यागी ने अपनी भांजी और दोस्त के साथ लेकर के इसकी हत्या की है। सुनील त्यागी से हमने हत्या में प्रयुक्त 315 लाइसेंसी बंदूक और इनके जो भांजा विजय त्यागी उससे पत्थर और दो सौरभ त्यागी से 315 का कट्टे को जब्त किया है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।